गोप ब्लॉक अंतर्गत बड़गाम पंचायत पुटुपड़ा ग्राम रे नियारा ढंगरे हरिहाट और भागवत पाठ महा आडंबर रे पालित हो जाइछि। भागवत पाठ रे आध्यात्मिक परिवेश पलटिछि गां। ग्रामदेवी मारणा देवी कृपालाभ करने को गाँव 40 परिवार 300 रु ऊर्ध महिला पुरुष छोट छोट एकत्र होई मारणा देवी कृपालाभ निवास गाँमुंड माँ मंदिर रे एक मास अरुआ खाई निष्ठार सह रही 4 दिन अष्टम प्रहर नाम यज्ञ हरिहाट करिबा बेले ग्रामर 64 जन भागवत पाठ करथिले। कदळी मंच उपरे दीप लगाई एक संगरे भागवत पाठ करिबा बेले हरिबोल हुड़हुड़ी कंपिथिला गाँ दांड। राज्य सरकार पक्षर गाँ गाँव में भागवत टुंगी मान निर्माण होउछि सत्य हेले गाँ ठार गीता भागवत पाठ पढ़ा भूलीगले। समस्ते आज दिन में मोबाइल धरवा छड़ा अन्य किछि जानती ना गाँ गाँ लुचि जाउतबा भागवत गीता पाठ को किपर घरे घरे पाठ करेंगे गाँ ठार बासिंदा मान से पुटुपड़ा ग्राम से निरा ढंग से हरिहाट भागवत पाठ करवासी एक उदाहरण सृष्टि खाली से नुहे पटुपड़ा गाँव में 4 दिन आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि बेले गाँ को मारणा देवी कृपा जीपर गाँवर तीन पटे कुशभद्रा नदी बही जाता बेले गोटेपटे बालीबंत लोक मैंने जातायात करते बात्या बना ठार बड़ बड़ विपर्यस्त बेले माँ विपदू रक्षा करने ग्राम लोक पाटितुंड गंडगोल हेले आज दिन में माँ पाखे समस्ते से एकत्र होई मां को पूजा अर्चना करी प्रसाद सेवन करितबा घटना बारंबार आंभे माने अंगे लिभाइछु बोली आयोजक कहुतबा बेले लुचि जाउतबा भागवत गीता पाठ को किपरि गां गारे पुनर्जीवित करा जिवो सेथिपे एक वार्ता बांटिछंती ग्रामवासी ओ महंत महाराज कोन करबा गां जो मां को पर केते विश्वास रहिछि मां किबुल भार आज जो मां मोर अधिष्ठाता देवी मां रणादेवी ठाकुरानी ये गां को हम बहुत विपद रु उद्धार करिछे तार के कल्याण के इथि अष्टपदी होउछे दीर्घ दिन है 1975 मसीह इतने आम कि 13-14 जन युवक मिसिक अष्टपदी आरंभ करते से भितर किसी लोक भी गले दीहता करगले आउ कि लोक बयभूत हो गले आउ 5-7 जन तेज अच्छा चलपचल विशेष करना ये संस्थाटा ये आह्वान काल ये जो संस्था चली आता छोट छोट पिला उन्नत करी उन्नति रु उन्नति करते मागि डाक खूब हेल्ले 5-10 हजार टकर करते अभी 3 लक्ष टा दाबी खर्च हो कि 1982 मसीह बोलते रणादेवी ठाकुरानी नुआ स्थापित होती सुर अवदान गाँव रमस्ते मूल मजूरी नागरिक ठाकुरानी प्रतिष्ठा करूँ ठाकुरानी बहुत अपार करुणा कणारे आम ये बेलू बेल उन्नति होन्नति आम देखे भागवत पढ़ा कथा जोटा गाँ गली लुचि जाऊँ आज जो 64 जन भागवत पढ़ुंट कौन बार्ता सारा ओडिशा को देवे भागवत आम गाँव में 2-3 जगह पढ़ा हो 4 जगह थी गोटे जगह बंद होगी अब 3 जगह पढ़ा चलती भागवत है संसार पाई कि उन्नति कर मुक्ति कर जय जगन्नाथ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनो बलभद्रम सुभद्राजं जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जय जगन्नाथ काया शांत कर जय हो मणिमांकर जय हो बड़ ठाकुर जय हो। यही भागवत हरिहाट होची आमर ये ग्रामवासी भक्तवृंद मन आई कलिकलुषण आसन परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य यही भागवत जो घरे घरे पढ़िया द्वारा घर मंगल संसार मंगल सपरिवार मंगल भागवत हेनु बंद हो जाए सब हरिनाम संकीर्तन सब बंद हो जाए बहुदिन ये जो माँ को आम अच्छा ठाकुरानी रणादेवी तांकर अपार कोणार एठी नाही कोनोसी बात्या आमको प्रभाव पकेली ना फनी करनी कि महावात्या कोनोसी जिनस आमको आटाक करनी आ गाँ आम एमती भी श्रृंखलित भाव अच्छी से माँ को आसवाद ये जो बड़ अनुष्ठान टी आम होमें जिते मन खराब थे ये दिन पर समस्ते आम गोटे ये माँ को यही प्रकार करुणा आम प्रति अच्छे आज जो भागवत पढ़ागला जो भागवत मुझे चाहिए भागवत पढ़ले जो गाँव लोक जो बात 64 न पढ़ले कौन बार्ता आपे सारा ओडिशा को भागवतर तो विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी गोटे कथा सबुठ सार है सी ताकू अध्ययन कर
ତା ମନରେ କିଛି ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଗବତର। ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାଗବତ ତୁଙ୍ଗି ଅଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଭାଗବତ ସେମାନେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ପାଇଁ ଭାଗବତ ରହିବା ଦରକାର। ଭାଗବତ ବି ସରକାର ବି ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦେଲଣି, ଭାଗବତ ଘର ପାଇଁ, ଭାଗବତ ତୁଙ୍ଗି ପାଇଁ, ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଭାଗବତ ଲୁଚି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ 64 ଜଣ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ହଜି ଲୁଚି ଯାଉଛି ଭାଗବତ ପଢ଼ା, ଏଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି। କଣ କହିବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ବିନିର୍ମାଣ ହେଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ରାମରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉ, ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମେ 64 ଜଣ ଭାଗବତ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହରିହାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦିବ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅହଲ୍ୟା ପାଣ୍ଡି, ଆମ ଗ୍ରାମର ନାଁ ପୁଟୁପଡ଼ା, ବଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରଟି ଆଜି କରାଯାଉଛି, ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ। ଏହା 1955 ମସିହା ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରି କଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଆମେ କରିଥାଉ ଏବଂ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର କରି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କରିଥାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମା' ରଣାଦେବୀ, ଏ ରଣାଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଆମର ଗାଁର ଚାରି କୋଣାର୍କରୁ ପ୍ରକାଶ ସାନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।